हमारे साथ सांसद प्रियंका चतुर्वेदी है। मैम, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला आया धारा 370 पे, उस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जिस जो तरीका था वो सही नहीं था हटाने का, आपका क्या व्यू है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है अब उसका पालन सभी को करना पड़ेगा। हम लोग उसको होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपली बिकॉज 370 खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था एक टेम्प्ररी मेजर है। आफ्टर सम ईयर्स उसका दुरुपयोग होने लगा था, जहाँ पे अलगाववादी सोच बढ़ने लग गई थी और युवाओं के लिए हानिकारक हो रहा था, आतंकवाद बढ़ रहा था। 370 हटने की जिम्मेदारी देश के पार्लियामेंट की है, वो हमने पूरा किया और इसको मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है उसको स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया। जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, वो काफ़ी निराश हैं इस फैसले से और उन्होंने कहा कि आगे भी लड़ाई हम जारी रखेंगे। बिल्कुल, वो उनकी जो उनकी सोच है 370 को लेकर वो उसको आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक शिवसेना का सवाल है, शिवसेना बहुत स्पष्ट है कि हम इसको होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं अगर पीस बहाल हो गया है जल्द से जल्द वहाँ पे स्टेटहुड वापस बहाल होगा और इलेक्शन की प्रक्रिया सरकार करेगी। धन्यवाद। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।